नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी मंदिर में माथा टेकते हुए आपको ये ख्याल आया है कि शायद आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है? क्या खुशहाली और सफलता पाने की चाह रखना गलत है? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी आपको इस सवाल का एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। उनकी बातों में जानने को मिलता है कि ईश्वर की असली मंशा शायद ही वह हो जो हम आम तौर पर सोचते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर हमारे लिए वास्तव में क्या चाहता है और कैसे हम अपने अवचेतन मन की मदद से उसे पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, प्रकृति अपने आप में ही एक चमत्कार है। एक छोटा सा बीज किस तरह से पेड़ बन जाता है, हमारा शरीर कैसे अपने आप ठीक हो जाता है, घाव भर लेता है, ये सब उस दिव्य चेतना का ही प्रमाण है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा जीवन के सतत प्रवाह और उसकी निरंतर अभिव्यक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है, उसे बनाए रखती है और उसका विकास करती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज का स्वाभाविक धर्म है पेड़ बनना, वैसे ही ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्णता, खुशहाली और सफलता को जन्म देना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अब सवाल है कि आपका ठीक होना किसकी इच्छा थी, आपकी इच्छा, डॉक्टर की इच्छा या ईश्वर की इच्छा? दरअसल ये तीनों ही इच्छाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी बीमारी से मुक्त होने की इच्छा, डॉक्टर की आपका ठीक इलाज करने की इच्छा और अंततः ईश्वर की इच्छा कि आप स्वस्थ रहें। ईश्वर ने ही हमारे शरीर में वह दिव्य शक्ति यानी हीलिंग पावर रखी है जो हमें ठीक कर सकती है। इसी तरह जब हम अपने जीवन में सफलता, खुशहाली और शांति की कामना करते हैं तो वह भी ईश्वर की ही इच्छा है। वह चाहता है कि हम अपने जीवन में पूर्ण क्षमता से विकसित हों और खुश रहें। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी नकारात्मक सोच और गलत विश्वास ईश्वर की इच्छा को बाधित कर देते हैं। मान लीजिए आप सोचते रहते हैं कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह आपका एक अवचेतन विश्वास बन जाता है और परिणाम स्वरूप वही होता है जिसका आप डर रखते थे। डॉक्टर मर्फी हमें सचेतन मन और अचेतन मन के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। हमारा सचेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। यही अवचेतन मन हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसीलिए ईश्वर की इच्छा को साकार करने के लिए जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को भरें, बार बार अपने लक्ष्यों को दोहराएं, सकारात्मक पुष्टि वाक्यों का प्रयोग करें जिन्हें हम अफर्मेशंस भी कहते हैं, और यह दृढ़ विश्वास रखें कि हम सफल होंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ। ये अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि वाक्य आपके अवचेतन मन में प्रवेश करके ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आपके जीवन को बनाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर मर्फी कई वास्तविक जीवन के उदाहरणों का हवाला देते हैं जहां लोगों ने सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के बल पर अपनी बीमारी को दूर किया, आर्थिक तंगी से निकले और मनचाही सफलता हासिल की। मान लीजिए एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन वो व्यक्ति हार नहीं मानता। वह ईश्वर की उस
दिव्य शक्ति में और अपने ठीक होने की इच्छा में दृढ़ विश्वास रखता है। वह लगातार सकारात्मक पुष्टि वाक्यों का प्रयोग करता है, शांत चित्त रहकर ध्यान करता है और स्वस्थ होने की कल्पना करता है। धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगते हैं। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। यह चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा और सकारात्मक सोच का अद्भुत प्रभाव है। ईश्वर की इच्छा को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कर्म का सिद्धांत। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ईश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देता है। हम यह चुन सकते हैं कि कैसे जीना चाहते हैं, हम कैसे सोचना चाहते हैं और क्या कर्म करना चाहते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें सुखद परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों के फल स्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर यहाँ दंड देने वाला कोई तानाशाह नहीं है, बल्कि वह एक न्यायप्रिय शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि कर्म का फल हमें अवश्य मिले। इसीलिए ईश्वर की इच्छा को साकार करने के लिए हमें सकारात्मक कर्म करने चाहिए। दूसरों की मदद करें, दयालु बने, सत्य बोले और ईमानदारी से जिए। ये सकारात्मक कर्म न सिर्फ आपको खुशी देंगे बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आपका जीवन भी सवारेंगे। हालांकि कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह सवाल उठता है कि क्या यह ईश्वर की इच्छा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कठिनाइयां और चुनौतियां भी ईश्वर की ही एक महान योजना का हिस्सा हो सकती हैं। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यह आपके लिए दुखदाई जरूर है, लेकिन यह आपको और मेहनत करने और सफलता पाने का मौका देता है। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे विकास में सहायक होती हैं। इसीलिए कठिनाइयों का सामना करते समय निराश न हो, ईश्वर पर भरोसा रखें और यह विश्वास करें कि वह आपके सर्वोत्तम के लिए ही कार्य कर रहा है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। अंत में डॉक्टर मर्फी हमें ईश्वर से प्रार्थना करने के महत्व को भी याद दिलाते हैं। प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उसे अपनी इच्छाओं से अवगत कराते हैं। लेकिन प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण और विश्वास का भाव भी है। ईश्वर से अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी रखें कि वह आपके सर्वोत्तम के लिए ही निर्णय लेगा। प्रार्थना के साथ कृतज्ञता का भाव भी रखें, उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। ईश्वर की इच्छा को समझना और उसका अनुसरण करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कर्म, दृढ़ विश्वास और प्रार्थना के जरिए हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि ईश्वर की इच्छा को समझने में हमारे अंतर्ज्ञान यानी अंतरात्मा की आवाज की अहम भूमिका होती है। कभी कभी हमें कोई अचानक विचार आता है, कोई आहट मिलती है या फिर दिल में कोई अजीब सी अनुभूति होती है। ये सब हमारे अवचेतन मन के संकेत हो सकते हैं जो हमें ईश्वर की इच्छा से अवगत करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक आपको दूसरी तरफ जाने का मन करता है। मान लीजिए आप वही रास्ता चुन लेते हैं जो आपका दिमाग कह रहा है, लेकिन उस रास्ते पर कोई दुर्घटना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से जाने पर आप सुरक्षित बच जाते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके अंतर्ज्ञान ने आपको सही दिशा दिखाई थी। यह अंतर्ज्ञान ही ईश्वर की इच्छा का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। इसीलिए अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज न करें, ध्यान लगाएं, शांत चित्त रहें और उस आवाज को सुनने की कोशिश करें जो आपको सही रास्ते पर ले जा सके। डॉक्टर मर्फी की इच्छा को बहुतायत यानी अधिकता से भी जोड़ते हैं।
उनका मानना है कि ईश्वर चाहता है कि हम सब सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन जिएं। ब्रह्मांड में हमारे लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। पैसा, प्यार, सफलता, खुशी, ये सब ईश्वर की दिव्य कृपा का ही हिस्सा है। लेकिन कभी कभी हमारी कमी की भावना ईश्वर की इस बहुतायत को रोक देती है। मान लीजिए आप सोचते रहते हैं कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। यह आपका एक अवचेतन विश्वास बन जाता है और परिणाम स्वरूप वही होता है जिसका आप डर रखते थे। इसके विपरीत यदि आप ईश्वर की कृपा में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता को आमंत्रित करते हैं, बहुतायत को आमंत्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। सकारात्मक पुष्टि वाक्यों का प्रयोग करें, जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। आभार व्यक्त करें उन चीजों के लिए जो आपके पास पहले से ही हैं। दान पुण्य करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। ये सकारात्मक कर्म ब्रह्मांड में बहुतायत की ऊर्जा का संचार करते हैं और आपके जीवन में समृद्धि लाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। अच्छे और सकारात्मक रिश्ते खुशी और सफलता का आधार बनते हैं। तो क्या ईश्वर की इच्छा हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है? डॉक्टर मर्फी का कहना है कि ईश्वर चाहता है कि हमारे रिश्ते प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित हों। वह हमें सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाने में सहायता करता है। यदि आप अपने किसी रिश्ते में परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें कि आप उस रिश्ते को कैसे सुधार सकते हैं। क्षमा का भाव रखें, दूसरों की भावनाओं को समझें और सकारात्मक संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलते हुए आप अपने रिश्तों में प्यार, सामंजस्य और खुशी ला सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर को क्षमा से भी जोड़ा गया है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारी राहों में रुकावटें इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने अतीत में किसी को माफ नहीं किया है। मन में रखी गई नकारात्मक भावनाएं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती हैं। इसीलिए ईश्वर की इच्छा को साकार करने के लिए जरूरी है कि हम क्षमा का भाव रखें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। गुस्से और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को त्याग दें। जब आप क्षमा करते हैं ना, तो आप न सिर्फ दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी मुक्त कर लेते हैं। क्षमा का भाव ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों पर कई तरह की आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिद्धांत बहुत सरल हैं और वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह सच है कि जीवन में कई चुनौतियां आती हैं। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मर्फी ये नहीं कहते कि सकारात्मक सोच से सारी समस्याएं जादुई रूप से गायब हो जाएंगी। उनका कहना है कि सकारात्मक सोच और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने से हम कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति पाते हैं। हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम चुनौतियों का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। साथ ही यह हमें लचीला बनाता है और नई संभावनाओं को देखने में सहायता करता है। एक और आलोचना यह है कि डॉक्टर मर्फी के सिद्धांत भाग्यवाद को बढ़ावा देते हैं। भाग्यवाद का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है और हमारे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डॉक्टर मर्फी ऐसा नहीं कहते। वह हमें स्वतंत्र इच्छा का महत्व बताते हैं। यह हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे जीना है, हम क्या कर्म करना चाहते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं।
इसीलिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम ईश्वर की कृपा का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम भी जरूरी है। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सिद्धांतों को समझना ही काफी नहीं है, असल मायने में उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी जरूरी है। तो देर किस बात की, अपनी यात्रा अभी शुरू करें। हर रोज सकारात्मक पुष्टि वाक्यों का प्रयोग करें, सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्यों को दृढ़ता से पाने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करें, दयालु बनें और क्षमा का भाव रखें। ध्यान करें और अपने अंतर्ज्ञान को सुनने का प्रयास करें। ईश्वर पर भरोसा रखें और उसकी दिव्य इच्छा के अनुरूप चलने का संकल्प लें। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक बदलावों की ओर अग्रसर होगा। ईश्वर की इच्छा को समझना जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। यह कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि हमारे सर्वोत्तम के लिए बनाई गई एक दिव्य योजना है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कर्म, दृढ़ विश्वास, प्रार्थना, अंतर्ज्ञान और क्षमा के जरिए हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जी सकते हैं। याद रखें, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। बस हमें उन पर भरोसा रखना है और उनकी दिव्य इच्छा के अनुरूप चलना है। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।